अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मिलते हैं अब नई वीडियो में। हम मौजूद हैं यहाँ पर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको यहाँ पे लॉरियल बनाना सिखाऊंगी, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। इस तरह का इसका लॉरियल आता है, उसके दोनों तरफ जो है ना पॉइंट्स होते हैं, उनको बीच से हम बराबर करके हम कट कर देते हैं। इस तरह करके जो है ना मैंने पूरा बॉक्स बना के रखा हुआ है, क्योंकि कटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से जो है मैंने पहले से कटिंग करके रखती थी। ये भी मैंने इतनी मुश्किलों से निकाला था ना ढूंढान के बाद। हम इसका एक पार्ट लेंगे, हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करा था ना, तो हम इसका एक पार्ट लेंगे, एक पर्स लेंगे। या आपको जिसका लॉरियल बनाना है, आपको जो है वो किसी मोती का, किसी भी कलर में मोती का लॉरियल बनाना है, मुझे वाइट कलर में चाहिए तो मैं वाइट कलर में बना लूँगा। आपको जो सा कलर चाहिए आप वो कलर ले सकते हैं। छोटा सा मोती हो तो जो कि पर्स में से आराम से जिसका लूप बना हुआ है, नीचे इसके पॉइंट बना हुआ है, वहाँ से अंदर बाहर ना जाए, जैसे इसका सुराख इतना बड़ा हो। इसको हम जो है ना किसी दूसरी चीज़ से पकड़ के अच्छी तरह से, और प्लास के ज़रिए हम हाथों से लपेट देंगे। हम हाथ से भी लपेट सकते हैं, लेकिन यार हाथों से ना बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है हाथों में, क्योंकि ये भी तो ज़ाहिर सी बात है लोहे का काम है। इसको लपेटने में ना मेरे तो हाथों में दर्द हो जाता है, तो मैं डबल प्लास लेती हूँ। मेरे पास दो नोज़ प्लायर है, एक से मैं पकड़ती हूँ और दूसरे से मैं इसके राउंड राउंड घुमा देती हूँ। अच्छा, दूसरा भी इसका एक और इसका हैगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। वो अभी मुझे टूथपिक मिल नहीं रही थी, तो जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही थी, तो मैंने कहा मैं चलो जब मिलेगी जब बना दूँगी मैं। तो हमें इस तरह से जो है वो लॉरियल नोज प्लायर से पकड़ के, और नोजी प्लायर से हम इसको इसके गिर्द लपेट देंगे अच्छी तरह से, दो तीन दफ़ा लपेट देंगे ताकि ये खुले नहीं। अच्छी तरह से हम इसको लपेट देंगे, और इस तरह मैंने सारे बहुत सारे बना दिए थे। और इसके बाद हम नेल कटर लेंगे, कैंची भी ले सकते हैं। हम कैंची से इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और नेल कटर से जो है ईज़िली आराम से कट जाते हैं। तो मैं आपको दो तीन दफ़ा का काट के दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने काट दिया है, और इसका बिल्कुल भी जो है ना सिरा बाहर नहीं निकलना चाहिए, फिर वरना वो आपके कान टॉप्स पहनेंगे तो आपके कानों में चुभेगा और गर्दन में ही चुभेगा इस तरह से। इस वजह से इस बात का ख्याल रखने के इसके जो है पॉइंट्स ना निकले। मैंने आपको दिखाया है जैसे इस तरह से हमें इसका पॉइंट्स, हमें मैं आपको पूरी डिटेल से भी दिखाती हूँ। यहाँ से हम पहले इसको अच्छी तरह से हम काट देंगे। ये फोकस नहीं कर पा रहा है मेरा मोबाइल ना, क्योंकि गोल्डन गोल्डन था ना, तो इस वजह से फोकस नहीं कर पा रहा था। ये देखिए आराम से अब ये फोकस हो गया है ये, और हम इसको बिल्कुल ईजी होकर हमने ये काटा, थोड़ा सा नज़र आया, और उसके बाद मैंने उसको पूरी तरह से काट दिया। दरअसल मैं कैमरे में देख रही थी ना, तो इस वजह से मुझे सही तरह नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने इसको देखा तो मैंने कहा हल्का सा पॉइंट नज़र आ रहा था, वरना ये एक ही दफ़ा में कट जाते और ईजिली कट जाते हैं ये। और इसी तरह हम इसके सारे पॉइंट्स को हम कैंची से भी आपको काटने दिखा रही हूँ। देखिए कितनी थोड़ी सी ताकत लगती है कैंची में काटने से, और जो है ना फिर नेल कटर से इजी आराम से कट जाते हैं। इतनी सी भी आपको दिक्कत की ज़रूरत नहीं होती, तो नेल कटर तो हर घर में मौजूद होता है, तो ईज़िली आप जो है ना कटिंग कर सकते हैं। इस तरह करके मैंने सारे जो है ना ये कटिंग कर दी है। मैंने एक रेड कलर के भी बनाए थे, और एक जो है ना पर्स मोती के भी बनाए थे। और ये देखिए ये मेरे पास रेड कलर के, इसकी मैंने कटिंग वटिंग सब कुछ करके रखी है, और ये मुझे आपको सिखाना था, इस वजह से मैंने जो है ना वो इसमें आपको बताया था। और इस तरह आपको कोई सा भी कलर आपको चाहिए वो आप इजीली जो है ना वो इस तरह के लॉरियल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है ना लुक्स बनाना सीखेंगे। लॉरियल मैंने आपको बता दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।